हाय, आपको आई होप अब मेरी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैं दोबारा से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी है डिप्रेशन के ऊपर, और डिप्रेशन से रिलेटेड सुरेंद्र जी, अगर आप मुझे सिर्फ क्विक बता दीजिए कि, और सुप्रिया, अगर आप मुझे क्विक बता दीजिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं आगे चलूँ ताकि हम लोग बात कर पाएँ इसके ऊपर। डिप्रेशन से रिलेटेड है, बहुत ज़रूरी है, तो हम इस पर बात कर पाएँ। चलिए, जब तक आप मुझे बताते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग शुरुआत में ही इस बीमारी को पकड़ा नहीं जाता, और इसके लिए जब हम लोग बात नहीं करते। दीपिका पादुकोण ने इसके अंदर सबसे पहले बात करने की कोशिश करी, और जब उसमें यहाँ पर बात करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर लोगों ने उनके बारे में पूछा, उन्होंने बात करी कि ये क्या हो गया, दीपिका पादुकोण को भी डिप्रेशन हो सकता है। या थैंक यू, आपने बता दिया कि दीपिका पादुकोण को भी डिप्रेशन हो सकता है। योयो हनी सिंह के बारे में पता चला, तो वहां पर भी पता चला कि उन्हें भी डिप्रेशन हुआ हुआ था, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, जहां पर मैनिक और डिप्रेसिव। मैनिक और डिप्रेसिव का मतलब कि जहां पर आप 1 मिनट में खुश होते हैं और 1 मिनट में आप नाराज हो जाते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं, या आपका मूड फ्लक्चुएट कर जाता है। सुशांत के साथ अगर हम बात करते हैं, तो लोग आज सारी बातें यही कह रहे हैं कि उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर जहां पर उनके दस्तावेज मिलते हैं घर से, उस दस्तावेज के अंदर ये बताया जाता है कि वो एक साइकोलॉजिकल हेल्प किसी डॉक्टर के पास जाकर ले रहे थे, मतलब किसी साइकाइट्रिस्ट से उनका इलाज चल रहा था, और ये कुछ महीनों पहले चल रहा था। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो अपनी माँ के बड़े करीब थे, क्योंकि जो 2002 में उनकी माँ का निधन हो गया, उसमें वो उनको बहुत बहुत आहत हुआ, और उनकी अभी रिसेंटली उनकी जो मैनेजर थी वो भी उन्होंने भी सुइसाइड कमिट कर ली, और उनकी मैनेजर का नाम था दिशा, और जो दिशा ने भी सुइसाइड कमिट करी, वो भी ये लोग आपस में बहुत करीब थे। अभी एक और बात भी निकल कर आ रही है कि नवंबर में सुशांत की शादी थी। अब ये तो बताया नहीं गया कि किसके साथ शादी थी, पर वो शादी थी। तो कहते हैं जिसके घर में शादी हो, या वो इतनी सक्सेस की सीढ़ी पे चल रहा हो, और उसके एक के बाद एक पिक्चर्स भी रिलीज हो रही थी, और वो हमेशा से खुश दिख रहा था, अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि उसको सुइसाइड कमिट करनी पड़ी? सुइसाइड कमिट करना कोई आसान काम नहीं है। सुइसाइड कमिट करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और उससे के लिए अचानक आप जाएं और सुइसाइड कमिट कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आप शायद कई बार कई चीजों को आप अपनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो उसको गूगल करते हैं कि सुसाइड कैसे करें। अचानक से सुसाइड नहीं होती है, आज मैं जा रही हूं, आज मैं सोच रही हूं, और जाकर आज मैं मर जाऊंगी, अब मैं मरी जाऊंगी, ऐसा होता है? हो सकता है आप अपाहिज हो जाए, हो सकता है आप मरे नहीं, हो सकता है आप वापिस आ जाए। इसी चीज को देखने के बाद हमारे आईपीसी के सेक्शन के अंदर भी जो सुसाइड कमिट करता है, पहले क्राइम माना जाता था, अब उसको क्राइम की तरफ से भी हटा दिया। अब इसलिए हटा दिया ताकि हमें यह बात करना बहुत जरूरी है कि क्या सुसाइड एक क्राइम है या मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस है ये सुसाइड। सुसाइड तक आदमी जाता क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई भी आदमी बैठता नहीं है उससे बात करने के लिए, क्योंकि उसको एक तरीके से फॉर 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 गारंटीड ले लिया जाता है। अरे तो खुशी है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको क्या प्रॉब्लम होगी, अच्छी खासी दिखती है, अच्छा खासा दिखता है, अच्छा खासा कमाता है, पैसा है, चीजें, ये तो फिजिकल है ना। किसी ने अंदर घुस के पूछने की कोशिश करी कभी किसी का? किसी ने मेंटली फोन पे बात करने की कोशिश करी? हाँ, कि मेंटल फोन कि आपका उसका मेंटल बैलेंस कैसा है, वो बात करने की कोशिश करी किसी ने? वो कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं देखता है। कितने सारे लोग आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि हर एक आदमी समझना चाहता है, हर एक आदमी सुनना चाहता है, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खास जो हम लोग आज एक तरीके से सेशन ले रहे हैं, एक तरीके से मैं बातचीत कर रही हूँ आपसे इसके ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज हाई टाइम वी नीड टू टॉक अबाउट इट। दिस इज अ हाई टाइम। साइकोलॉजिस्ट को पागल कहना जरूरी नहीं है,
साइकोलॉजिस्ट ठीक करते हैं लोगों को, ये अब जानने की बात आई है। लोगों को लगता है कि फिजिकली खाना खा लो, दवाई खा लो, खाना खा लो, चीजें कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पेट में दर्द है तो दिमाग की दवाई पेट में डाल सकते हैं? नहीं, दिमाग के लिए दिमाग वाले के पास जाओगे ना, डॉक्टर के पास, तो वहां पर कैसे सिम्टम्स क्या है किसी को पता लगाने के लिए। सबसे पहला सिम्टम ये है कि आप जब, सबसे पहले तो यही है कि आप किसी को सिम्टम समझने के लिए उसके साथ रहे हो, उसके साथ बैठे हो, उसके साथ बात करिए, तभी तो उसका सिम्टम भी समझ पाओगे। तो सबसे पहला है वक्त, वो वक्त नहीं है किसी के पास, और कोविड ने यही बता दिया कि वक्त ही सबसे बड़ी चीज है। आज सबके पास बहुत वक्त है, तो आज फोन भी कर रहे, हेलो फ्रेंड कैसे हो, वो पूछ रहा है यार आज वक्त मिल गया। आज माँ को भी फोन करके पूछ रहे हैं, हाँ जी माँ कैसे हो, माँ बाप को भी पूछ रहे हो कैसे कैसे आज याद आ रही है, क्योंकि आज वक्त नहीं है आप लोगों के पास। आपको लगता है आज वो वाला बिजी वाला स्केड्यूल नहीं है, आज मैं बात कर सकता हूं, आज मुझे खुद को डर है मेरे जीने की, मेरे मरने की। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम लोगों किसी के पास बैठे ही नहीं तो उसके सिम्टम्स नहीं पता लगा सकते। बहरहाल, अगर आप किसी को अपने वक्त दिया भी, चलिए आपने उनसे एक दो बार गुफ्तगू भी कर ली, आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब में एक सिक्स सेंस होती है जो हम समझना शुरू करते हैं कि कोई आदमी एक बात में नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव होता है कोई आदमी ये बात कहना शुरू करते है, यार आज मन नहीं लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि यार मैं खाना नहीं खाऊं, यार आज सिर्फ सिर्फ सोने का मन कर रहा है। आपको लगता है कभी कभार ऐसा वक्त हुआ है आपके साथ कि कभी आपने सिर्फ, इतनी गर्मी भी पड़ रही हो पर आपने रजाई वजाई लेकर आप लोग सो गए और उठने का मन नहीं कर रहा, खाना नहीं खाने का, भूख नहीं लग रही और सोते जा रहे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये बच्चों के साथ जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो वर्कप्लेस में हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो एक्टर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन सबके साथ ही होता है। क्योंकि डिप्रेशन ना तो एज देख कर आता है, ना कल्चर देख कर आता है, ना कम्युनिटी देख कर आता है, ना रिलीजन देख कर आता है, और ना सेक्स देख कर आता है, वो घिर कर जाता है। और जब वो घुसता है ना तो बहुत गंदा घुसता है। आपको या तो बहुत नींद आने लग जाएगी या बिल्कुल नहीं सोएंगे, रात भर उल्लुओं की तरह नाच रहे हैं। आपको बहुत खाना खाना है या आपको खाना खाना ही नहीं, बिल्कुल भूख नहीं लगनी, जरा सा एक औंस भी मुंह में नहीं डालना, या आप पागलों की तरह खाए जा रहे हो, रात को उठ के भी किचन में फ्रिज को खोल खोल के देख रहे हो, चलो आज मैं आइसक्रीम खा लू, आज मैं ये कर लू, क्यों? क्योंकि मेरा मूड ठीक हो जाएगा। ब्रेकअप्स होते हैं, कितने लोग के ब्रेकअप्स हुए हैं, क्या होता है उसके बाद, ब्रेकअप के होने के फौरन बाद कैसी फीलिंग आती है ना कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपको कहीं पर बाहर घूमने का मन नहीं करेगा, या आप बिल्कुल ही बाहर चले जाओगे, वहां जाओगे भी तो भी अकेले महसूस करोगे, अरे यार मैं बाहर क्यों आ गया, मैं बाहर क्यों आ गई, मुझे किसी से बात नहीं करनी। या बात करते रहोगे और हंसते रहोगे। सुशांत अगर हंस रहा था तो उसकी हंसी के पीछे एक गाना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ये जब आदमी मुस्कुरा रहा है तो उसके पीछे का गम ढूंढने की कोशिश कीजिए। कई बार हम उस हंसी के पीछे उस उदासी को ढूंढना नहीं पाते, भूल जाते हैं। आप बच्चों से पूछते हैं, उनको हम लोग, वो अगर काम नहीं कर रहे हैं, वो हम तो उनको कहीं ना कहीं, कई बार होता है फिजिकल हो जाते हैं, लोग मारते हैं उनको, उनको बुरा भला भी कहते हैं, पीटीएम के अंदर बात करते हैं, पर क्या कभी ये पूछा किसी से ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है आपके पास ये वक्त किसी के पास? और पता है कभी कभार किसी को पूछने की भी इतनी जरूरत होती है, शायद कभी कभार आदमी सिर्फ बोलना चाहता है या चुप करके सुनना चाहता है किसी को। कभी कभार एक हाथ के ऊपर हाथ रखकर भी अगर आप किसी को कह दो ना, मैं हूं आपके पास, वहां पर आदमी सक्षम पूर हो जाता है। एम्पावरमेंट लेने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है, एम्पावरमेंट लेने के लिए पार्टी की जरूरत नहीं है, सीएम बनने या पीएम बनने की जरूरत नहीं है, एम्पावर होने के लिए अपने आप में झांकने की जरूरत है। और जिस दिन आप अपने आप में झांकना शुरू कर दोगे, आप एम्पावर हो जाओगे,
आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप किसी के पास वो वक्त वक्त ही तो नहीं है, वक्त ही तो नहीं है बात करने का, वो सुनने के लिए। क्योंकि हम कोई भी बात अगर सुनने के लिए करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसे जवाब देने के लिए, फौरन उसका जवाब दे दूं मैं, आज के आज जवाब दे दूं। पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम अपडेट रहे। कभी किसी को पढ़ने की कोशिश करी आपने? पढ़ाइयों के अलावा कभी किसी इंसान को पढ़ने की कोशिश करी? साइकोलॉजी पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है उसके लिए। माँ अपने बच्चे की गूंगी आवाज को कैसे सुनती है? आ करके बच्चा बोल रहा होता है, पता नहीं क्या बोलता है, हाँ? क्यों कहते हैं सिर्फ उसको उसकी माँ समझ सकती है, सुन सकती है? वो इसीलिए क्योंकि माँ उस बच्चे को वक्त देती है। वो माँ ने 9 महीने 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में रखा, 9 महीने उसने उसको सुना। इसलिए जब वो बच्चा बाहर आता है तो वो बाहर आके अपनी माँ को सुन पाता है, और माँ उसके गूंगी आवाज को सुनकर उसको दूध देती है, उसे प्यार करती है, उसकी वो सब जरूरतें पूरी करती है, क्योंकि उसको नहीं पाता। उसी तरीके से क्योंकि हम बचपन से प्यार के भूखे हैं, हमें प्यार चाहिए। पैसा बहुत जरूरी है स्टेटस के लिए, पैसा बहुत जरूरी है, हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने आप को दिखाने के लिए। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो आप दुनिया में अपने आप को लोगों को दिखा नहीं पाएंगे कि मेरे पास क्या है, क्योंकि आपको सलाम सिर्फ पैसे से होता है। इसीलिए किसी गरीब को सलाम ठोका नहीं जाता। पर क्या आपने कभी अपने बूढ़े माँ बाप को फोन करके पूछते हैं? यहां पर अमेरिका में फोन करके पूछते हैं, हमारे साथ तो रहते हैं, पर क्या पूछना कभी? वो हमारे साथ रहकर भी कितने, वो हमारे साथ रहते नहीं है, वो सिर्फ एक जगह को ऑक्यूपाई करता है। पूछना सीनियर सिटीजन को, पूछना अपने माँ बाप को, पूछना जो भी बड़े उनसे पूछना। हम रह तो रहे, इसीलिए तो हम न्यूक्लियर फैमिलीज में चले गए, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं होता ज्वाइंट फैमिली में रहना, हमें पसंद नहीं है। कौन सुनेगा हर रोज चिक 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 चिक? नहीं, वो किसको जाके बोले? फोन करते तो हम लोग बिजी होते हैं, नहीं, हम लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, हमसे बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ही दिखाएगा सबको। तो फिर मरते क्यों? सुसाइड क्यों कमिट कर रहे हैं? पैसा ही है और पैसे से ऊपर सब कुछ है, तो फिर हम सुसाइड कमिट क्यों करते हैं? क्योंकि पैसे के साथ हम वो रुतबा तो ले लेते हैं, वो खुशी भी ले लेंगे उसकी, पर क्या सेटिस्फेक्शन के साथ वो जो एक फीलिंग ऑफ कंप्लीट आता है, वो आप संपूर्ण जिसको कहते हो, वो आ पाएगा? नहीं आ पाता। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आज काश मैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, काश मैं आज आप सबको सुन पाती, कितना अच्छा होता। मैं आप लोगों को पढ़ रही हूं, मैं आपको देख रही हूं, कितना दुख दर्द है इन सब कमेंट्स में। इसके लिए नहीं आप मुझे लाइक कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, इसलिए आप लाइक कर रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को मुझसे जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे डिप्रेशन नहीं होता? बहुत डिप्रेशन होता है। अभी 2 दिन, अभी कल और परसों मुझे बहुत बहुत भारी डिप्रेशन था, क्या करूं? तो मैंने क्या किया, आपके जो पार्टनर होते हैं, मेरे पार्टनर मेरे साथ हैं, मैंने उनसे बात करी, आपके जो बच्चे हैं वहां पर खोने, अपने आप को बात करने की, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करी। मेरे घर में डॉग है, लोग क्यों रखते हैं? लोग तो कहते हैं ना कि आप किसी के साथ बेजुबान ने बेजुबान की बात सुनी। मैं अपने डॉग से बात करती हूँ, करती हूँ क्यों? क्योंकि जरूरी है, शायद उसके साथ बात करने से मेरा डिप्रेशन और कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिप्रेशन जो है, नहीं तो वो मेरे अंदर घुस जाएगा। और मेरे ऊपर आपने इतना उत्तरदायित्व दे रखा है, मुझे इतना प्यार करते, इतना इज्जत देते, सम्मान करते, अगर आज मैं डिप्रेशन से अपने आप को काउंसिल नहीं करूंगी, मेरा डॉक्टर कौन है? तो हमें ढूंढना पड़ता है अपना डॉक्टर, और कहाँ ढूंढेंगे? आप अपनी फैमिली में ढूंढते हैं, अपने प्यार करने वालों में ढूंढते हैं, और वो ही आपको कहते हैं ना, टॉक टू द हैंड, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तब भरी महफिल में भी अकेले हो जाते। और सबसे बड़ी जिंदा रहते किसी को मार देना
इससे ज्यादा मौत नहीं हो सकती। किसी को जिंदा रहते मत मारो, बहुत जरूरी है उसके साथ जो वो जिंदा रहते अपने आई लव यू नहीं कहा, जिंदा रहते उसे ये नहीं बताया कि तुम्हारी मेरी जिंदगी जरूरत है, उसके ऊपर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रामा है। मरने के बाद उसको ये बताने कौन देख रहा है, कुछ नहीं रहा, क्या देख रहा है उसका, उसकी आत्मा के थोड़ी ना नीचे देख रही है। जिंदा रहते आपने उसको कहीं ना कहीं आपने उसको जो उसको चीज चाहिए थी आपने उसको कभी लेने नहीं दी, वो जो करना चाहती थी या वो करना चाहता आपने उसको कभी करने नहीं दिया। आपके सामने कोई आगे भीख मांगता रहे, गिड़गिड़ाता रहे तो वो हम सबको बहुत पसंद है नहीं, पर अगर कोई अपने दिल की बात कहे तो उसको हम युद्ध धक्का देते हैं, भाग जा। क्यों? अरे यार मेरे अपने इतने कलेश है, मैं तेरे को कहां से संभालूं? सीरियसली, तो फिर आज हम सुसाइड के ऊपर बात क्यों करें? सुसाइड के ऊपर बात करने के लिए दिल चाहिए, सुनने के लिए दिल चाहिए। मैं नहीं सुनना चाहती यार कोई और सुसाइड, नहीं सुनना चाहती। प्लीज अपने घर वालों को पकड़ लो, अपने अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी, अपने अपने हस्बैंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके फ्रेंड्स, पता सब अकेले हैं, सब अकेले हैं, सब दिखावा कर रहे हैं, हमें सब कुछ आता है, हम बहुत खुश हैं, कोई खुश नहीं है, सच बता रही हूँ, कोई खुश नहीं है। जाना यार एक बारी, उसको पीछे से पकड़ कर एक बारी कहना, सुन कभी कोई बात हो ना यार, रात के 2 बजे भी फोन करेगा ना तो मैं हूँ, मैं सुन लूँगा, मैं सुनूंगा, मैं बैठूंगा तेरे पास। यार तू सुसाइड कमिट मत करना, लोग बताते हैं उनकी हर रोज की बात में नेगेटिविटी होती है, कितने लोग सुनते हैं उस नेगेटिविटी को, कितना समझ पाते हैं उस नेगेटिविटी को, नहीं समझ पाते, उनको नेगेटिविटी समझ में नहीं आती क्योंकि वो खुद इतने नेगेटिव है, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं पॉजिटिव होना। कोई भी काम शुरू होगा ना, हाय ये काम तो हो ही नहीं सकता, पहला शब्द हाय कैसे होगा, ये तो काम हो ही नहीं सकता। तो जब आपकी जो एनर्जीज है वो ही गलत है, आप उसके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी वाली बात ही नहीं करते हैं, तो आपका कोई काम सफल होगा कैसे? आपका कोई काम सफल होगा ही नहीं, तो आपके ऊपर तो डिप्रेशन ठहरा ही ठहरा, क्योंकि आपकी जबान के ऊपर सरस्वती जहां पर बैठी है वो तो बैठी रहती है, तो आपके मुंह का जो पहला उच्चारण है वो आप सबसे पहले यही कह रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहले ही आप ये बात कहते हैं, ये मेरे से काम ही नहीं हो सकता, मेरा काम ही नहीं हो पाएगा, ये पता नहीं कैसे करेंगे, आप सीधा चलते 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 आप अचानक से डायवर्जन ले लेते हैं। आपका काम सीधा चल रहा है पर आप डायवर्जन ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी, क्योंकि हमें हमेशा से नेगेटिव होना सिखाया है, किसी भी ना स्कूलों ने, ना कॉलेज ने, ना घरों में, ना पार्टनर्स ने, ना हमारे किसी ने भी, ना तुम्हारे दोस्तों ने आपको पॉजिटिव बोलना नहीं सिखाया, क्योंकि अगर पॉजिटिव बोलना सिखा दोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं आप उनके पास थोड़ी नहीं आओगे, तो नेगेटिव बोलने से आपके ऊपर घेरा कर सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं। इसी वजह से कोई भी लोग अब बात नहीं करते, किसके पास जाते हैं? बाबाओं के पास। आपको लगता है कि बाबा आपको ठीक कर दे? लगता है? अगर ऐसा होता तो राम रहीम अंदर होता, गुरमीत होता अंदर। प्रेडिक्शन चाहिए, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन कहां से आएगी? आज हमें यह पता चले जाए हमारा कोविड कब खत्म होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर डांस करेंगे हम पब्स में जाके, नहीं सिनेमा में जाएंगे सिर्फ, इससे ऊपर क्या है? पहले इस वक्त को, जो ये 2020 का वक्त है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उन सबको प्यार कर लो जिनको कभी देखा नहीं। आज ये वक्त है उनके साथ बैठकर, बैठकर मतलब फोन पे भी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं, देख लो वैसे ही नहीं मिलने जा रहे थे, अब सोशल डिस्टेंसिंग भी है, फोन तो है, ईमेल तो है, चीजें तो हैं, बात कर लो। अभी भी हम लोग जा रहे हैं,
पर कम से कम उनके साथ बैठ कर ये बात करो यार, तकलीफ कहाँ आ रही है, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, एक दूसरे का साथ बन जा, क्योंकि वो ही नहीं बन पा रहे हैं। सिम्टम्स जो मैंने बताए वो बहुत जरूरी हैं, कमरे के अंदर बंद हो जाना या बातचीत नहीं करना, गुम हो जाना, बात करते करते अचानक से क्या हुआ, जूम इज गॉन, बात करते करते रोना आ जाना, बार बार रोना, सोने का मन कर रहा बार बार सोते जा रहे हो, इतना सोते जा रहे हो, अचानक से उठ के घूमना शुरू कर रहे हैं, या कई लोग बिल्कुल ही उठना ऑपोजिट कर देते हैं, जो सब कुछ इसका ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि जो दिमाग है वो कंडीशन नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें हमारे दिमाग को कंडीशन करना नहीं आता है डिप्रेशन से, क्योंकि हमें नहीं, हम लोगों ने उसको मेटेरियलाइज नहीं किया। शुरुआत कहां से थी, स्ट्रेस से। डिफरेंस पता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, फिर आता है सुइसाइड। तो सबसे पहले क्या आया, स्ट्रेस। जब स्ट्रेस आ रहा था तो क्या किया, स्ट्रेस वो होता है जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है। जब बहुत थोड़ी देर के लिए आपको स्ट्रेस है, जैसे कि आपके स्कूलों में, कॉलेजेस में, आपके वर्क प्लेस में आपके ऊपर एक काम दे दिया कि आप इसको इतनी सी देर में खत्म करके दे दो, वो स्ट्रेस है। आपके घर में कोई लोग आने वाले हैं, कुछ आपको घर का खाना देखना है, आपको कहीं पर जाना है, आपको कपड़े देखने, चीजें देखने, कम 10 चीजें होती है, वो स्ट्रेस होता है जो छोटी से मिनट के लिए आता है, छोटी देर के लिए। आपका जैसे ही काम खत्म हो जाता है आपका स्ट्रेस गायब हो जाता है, खुश हो जाता है। पर अगर स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा चला जाए उसके अंदर एंग्जाइटी आने लग जाता है। एंग्जाइटी का मतलब हाय कैसे होगा, हाय अब कैसे होगा, हाय हाथों में पसीना आ रहा है, हाय 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 कैसे करेंगे, वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के साथ क्या आता है, पैनिक अटैक, बेहोश हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, पागलों की तरह बिहेव करते हैं, वो एंग्जाइटी, पैनिक, फियर, फोबिया, ये सब पैनिक अटैक्स के साथ आता है। जब ये अनट्रीटेड हो जाता है तो यहां पर आपको जरूरत होनी चाहिए थी, यहां पर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत, यहां पर घुसना है, कोई आपके फैमिली मेंबर्स, कोई आपके दोस्त, कोई आपके लोग आपको इस टाइम पीरियड में घुसे और आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट, मेरा काम है काउंसलिंग करना, मैं आपको दवाई नहीं दे सकती। साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं, साइकाइट्रिस्ट वो होते हैं जो एमडी की डिग्री रखते हैं, डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस, उनके पास डिग्री होती है एमडी की, वो आपको दवाइयां दे सकते हैं नर्व्स को शांत करने के लिए, उनके पास जाना जरूरी है, वो शांत करेंगे। मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, आपको कूल डाउन कर सकती हूँ, ये मेरा काम है। स्कूलों के अंदर काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके मन की दिशा को समझते हैं और पढ़ते हैं, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आप उनके पास एंग्जाइटी और पैनिक अटैक जब शुरू हो जाए तो प्लीज जाइए, खुद दवाइयां घर में मत खाइए, आपको नहीं मालूम, आप गलत हो जाएगा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, शॉक चले जाएंगे आप लोग। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब एंग्जाइटी और पैनिक अटैक चालू हो जाए तो घर वाले प्लीज उनको लेकर चले जाए, बड़बड़ाने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लग जाए, आपको पता है कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, बहुत दारू पीना, बहुत सिगरेट चल रही है, बहुत सब कुछ चल रहा है, और बहुत हंसता रहता है कोई आदमी, बगैर कोई रो रहा है, तो ये सब चीजें जो सही नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाइए। उसके बाद जब ये ट्रीट हो जाए तो क्या आता है आपका, डिप्रेशन। फिर ये जो डिप्रेशन है ये लॉन्ग टर्म होता है, ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, जो लॉन्ग टर्म सिम्टम है जो एक डिप्रेशन के अंदर इंक्रीज होता है, डिप्रेशन के अंदर आकर खत्म होता है, अचानक से एक दिन में किसी को डिप्रेशन नहीं होता, या जिसकी हेरिडिटरी है, जिसके मम्मी पापा या कोई पीछे का जो ट्री है उसको किसी को डिप्रेशन रह चुका है, किसी को सुसाइडल रहा है, जैसे कि डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, ऐसे डिप्रेशन जो है वो हेरिडिटरी होता है। तो उसके अंदर पता लगाइए आपकी फैमिली में किसको हेरिडिटरी है, ये पता लगना बहुत जरूरी है। और जब आप शादी करते हैं तो उस टाइम पर जैसे कि हम लोग 10 चीजें पूछते हैं, तो ये भी पता होना बहुत जरूरी है आप लोगों की, कि आप लोग की दोनों की, लड़का लड़की की फैमिली हिस्ट्री क्या है, फैमिली ट्री क्या है। हम लोग इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि आगे आपके बच्चे पैदा होंगे, आगे आपने नई चीज करनी है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये कोई बुरा नहीं है, जैसे कि मैं कहती हूँ एचआईवी का टेस्ट, एसटीडी का टेस्ट ये जरूर होना चाहिए, कोई भी अगर अरेंज मैरिज है उसके अंदर, तो ये सब चीजें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अगर कोई आपको कहता तो ये गलत है। हर एक चीज का जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल
आप आपके साथ कुछ हो गया तो आप उसको कल कैसे संभालेंगे, नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या देखना है इससे रिलेटेड डिप्रेशन, ताकि सुइसाइड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बड़े बच्चे पर भी ध्यान, क्योंकि इंसान एक बच्चा ही है, उसे प्यार की हर समय जरूरत है, हर समय जरूरत है उसे। वो ये कभी नहीं कर सकता कि उसे प्यार से हटके वो अलग बात कर लेगा। वो चाहे बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कोई भी हो, उसे प्यार की जरूरत है। एक औरत जो होती है बहुत इमोशनली स्ट्रांग होती है, तो उसका मतलब ये है कि उसको प्यार करना बंद करना है? या आदमी, क्योंकि वो आपको बात, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ के साथ चिपक के बात करता है, और उसी चीज को जब वो यहां पर आगे में हम बात करते तो उसको मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, और उसके अंदर हम लोग उसमें भी घुस गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्यों एक आदमी रेप करने की कोशिश करता है। रेप के अलावा, क्रिमिनल माइंड से अलावा, इसके अंदर और भी बहुत बातें हैं कि क्या कहीं ना कहीं उसका जो प्यार है उसका अपने माँ बाप के प्रति या माँ के प्रति, क्या वो विंच रहा उससे। तो बहुत बातें इसके अंदर भी बात करने वाली, पर अभी तो मैं यही बात कहूंगी आप लोगों से कि ये जो कोविड का पीरियड है, इसके अंदर बहुत ध्यान रखने वाली बात यही है कि मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ पर, मेंटल अवेयरनेस जो मैं इस वक्त आपके साथ कर रही हूं, आप इसका ध्यान रखें। मुझे भी डिप्रेशन होता है, पर डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मेरे को डिप्रेशन, मुझे एंग्जाइटी अगर आती है, मुझे अगर पैनिक अटैक अगर किसी चीज का आता है, तो मैं कोशिश करती हूं मेरा डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो। मैं उससे पहले उसकी दवाई ले लेती हूं। उसकी दवाई क्या है? काउंसिल करना, बात करना, लो अब दोस्तों से बात करना, अपनी डॉग से बात करना। मैं लिख लेती हूँ, जर्नल बना लेती हूँ, उसमें लिखती हूँ, अपनी मन में बात को नहीं रखती। आप भगवान को प्रार्थना करते हैं उस टाइम पे बोल दीजिए, जोर जोर से उच्चारण कीजिए, अकेले कमरे में बंद होकर उसके अंदर बात कीजिए। आप बात करिए उसके अंदर बैठकर अपने जोर जोर से, कोई कहेगा पागल, वहां जोर जोर से बात कीजिए, अपने आप से बताए कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। बात करने बहुत जरूरी है आपको। बात अगर आप अपने शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे आपको क्या तकलीफ है। डिप्रेशन सबसे बड़ी बात, सर डिप्रेशन सिर्फ एक बार बार नाम आता है, पर इसकी प्रॉब्लम को समझने वाली बात सामने नहीं आती। ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रही थी, जो आज सुसाइडल बिहेवियर आ गया। चाहे वो किसी भी वक्त से हो, चाहे वो ब्रेकअप से होता हो, चाहे कोविड के बाद की बातें बहुत सामने आ रही हैं। तो मेरी बस आप लोगों से यही विनती है कि जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं और कई कई क्वेश्चंस इसके अंदर मुझे लगता है आए होंगे जरूर। कईयों ने बोला है कि इस बात के बारे में मैंने बात करी है, तो ये बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। और आई होप अगर आपको, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको मेरे से लेना है तो आप एक क्विक क्वेश्चन मुझसे ले सकते हैं। बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं ऑनलाइन अभी, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ रही हूँ। कोई क्वेश्चन है जो आप लोग में, कोई आप जैसे जो मैंने बातें कही, इसके अलावा कोई आपको लगता है कि कोई बात पूछनी है आपको, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि जो घर कर रही है आप लोगों के मन में और आप बात नहीं कर पा रहे? कई लोगों ने ये पूछ रहे हैं इसके अंदर कि लोगों को, कईयों को समझने की भी वो टैलेंट होना चाहिए। नहीं नहीं, इसको टैलेंट नहीं चाहिए। प्यार करने के लिए क्या टैलेंट चाहिए? टैलेंट चाहिए किसी को प्यार करने के लिए? नहीं, रहो बस उसके साथ, रहो, उसे ये बता दो कि तुम हो, इतना बहुत है। जब उसे इस बात के बारे में पता चल जाए ना, उतना बहुत है। मैं कोशिश करूंगी कि इसी एक दो दिनों में फिर से आपके साथ मैं वापस आऊं। अगर तब तक आप लोगों के पास और भी कोई क्वेश्चंस हो, कुछ बात हो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकें। और जी बिल्कुल, यस, बहुत बहुत लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, पर ये अनट्रीटेबल ऐसा नहीं है, अनक्योरेबल है, अनट्रीटेबल ऐसा नहीं है। इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इसकी काउंसलिंग उपलब्ध है। सिर्फ और सिर्फ सबसे अहम है, ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है। आप मानिए कि आप उससे जूझ रहे हैं, इससे शर्माइए नहीं, इसे साझा करिए लोगों के साथ। ओके, परवीन, वेरी गुड क्वेश्चन आ गया। हाउ कैन वी मेजर डिप्रेशन, ऑन विच स्टेज इट टेक्स आवर लाइफ? मैंने, परवीन आप थोड़ा लेट आ रहे हैं,
हाउ कैन वी मेजर डिप्रेशन, डिप्रेशन के मैंने सिम्टम्स बताए हैं और उसके अंदर मैंने ये बताया है कि डिप्रेशन जो है सबसे आपका सेकेंड लास्ट स्टेज होता है सुइसाइड से पहले, इससे पहले स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और आप जिसको हम कहते हैं फोबिया, फियर, ये सब के बाद आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन के अंदर आप बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं जहां पर आपको यू नॉट एबल टू टेक इट अप। और डिप्रेशन जो है वो किसी को भी हो सकता है, इसमें छोटा बड़ा, मोटा, काला, पीला, नीला, ये कोई 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 इसका अंक नहीं है। इसके अंदर कोई कुछ भी डिप्रेशन के चपेट में आ सकता है। और डिप्रेशन यही है कि उसको आइडेंटिटी नहीं मिल रही है घर में, उसे वो प्यार नहीं मिल रहा जो वो मांग रहे हैं, वो 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 जो जो पेशेंट है उसको वो जरूरत है उस सब चीजों की, और वो उसको घर में नहीं मिल रहा, दोस्तों में नहीं मिल रहा, और वो पागलों की तरह घूम रहा है कि कोई तो मुझे सुन लो। वो हेल्प की पुकार कर रहा है, कोई तो मुझे सुन लो, मेरे सिम्टम्स को सुन लो, अगर मैं बोल नहीं पा रहा प्लीज मुझे सुन लो। तो वही है, हमें सुनना है, हमें आगे आना है। और अगर कोई आपसे बात करने की कोशिश करे तो यार इतना नुकसान नहीं हो जाएगा बिजनेस में या और कामों में, 5 मिनट उसको दे दो, हो सकता है आप किसी की जिंदगी बचा देंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और जिंदगी बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो मैं आप लोगों के साथ इजाजत लेती हूँ, बहुत जरूरी था आज इस बात के बारे में बात करना, और मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा आपके साथ जुड़ूँ बहुत जल्द और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और आप लोग वो लोग दोस्त हैं जो हमेशा से साथ में खड़े रहे हैं, मेरे साथ खड़े रहे हैं, जैसे आप लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं, आप अपने साथ भी खड़े हुए हैं। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचने की, दोबारा पहुँचने की कोशिश करूँगी, सिर जोड़कर और हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर आप लोगों को नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज कमिंग, कैन स्पिरिचुअलिटी बेनिफिट्स इन इट? थैंक्स। ओके, कैन स्पिरिचुअलिटी बेनिफिट्स इन इट? एनीथिंग कैन बेनिफिट, यस। पहले आपने क्वेश्चन पूछा है स्पिरिचुअलिटी का मतलब है भगवान से बात करना या एनर्जी से बात करना, इसका कोई भी बात किसी के साथ बात मतलब है उजागर करना। अगर आपके बात करने से, आपके किसी के बात करना, अगर आप भगवान से भी कहते हैं आप बात करते हैं और आपको लगता है कि मेरे बात करने से मुझे शांति मिलती है, आस्था से आपको शांति मिलती है, तो आप उस चीज को जरूर कीजिए। आपको लगता है कि आपको दीवार से बात करने में आपको शांति मिलती है, आप जरूर शांति लीजिए। आपको लगता है कि आपको लिखने से शांति मिलेगी, आप जरूर शांति लीजिए। आपको लगता है किसी दोस्त से बात करने के लिए आपका मन हल्का हो जाएगा, बाहर घूमने से मन हल्का हो जाएगा, शॉपिंग करने से मन हल्का हो जाएगा, तो उसके साथ साथ ये सब चीजें आप कर रहे हैं, पर फिर भी डॉक्टर को जरूर दिखाइए, काउंसलिंग सेशन जरूर लीजिए और दवाइयां लीजिए। दवाइयां जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी कट डाउन करने के लिए, मेंटल हेल्थ को हेल्प करने के लिए, और सबसे बड़ी बात एक दूसरा का साथ देना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम आप लोग मुझे जाने देना नहीं चाहते, बट बहुत बड़ा लाइव सेशन हो गया है। थैंक यू सो मच एंड आई विल कम बैक अगेन। आई लव यू ऑल, स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, मुझे सबकी जरूरत है और हम सबको सबकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।